आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कुछ फेक न्यूज चल रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। कुछ फेक नेम्स इंट्रोड्यूस किया गया SMRs का, कुछ ऐसे न्यूज बनाए जा रहे हैं कि स्टाफ एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम ड्यूटी है। ये सब चीजें नहीं है। एवरी स्टाफ इज अकाउंटेड फॉर, सब अपना इंक्वायरी में पूरा असिस्टेंस कर रहे हैं। और जो फेक नेम्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टाफ का, वैसा भी नाम नहीं है और सारे लोग जो ड्यू प्रोसेस है उसमें असिस्ट कर रहा है। एक और नाम की किया जा रहा है कि SMR वहां पे साइट पे नहीं था, ऐसी बातें, लेकिन वो वहां प्रेजेंट था। वो सारा जो एक्सीडेंट के बाद एक्टिविटीज होती है उसमें पूरा कॉपरेट कर रहा था। फिर सस्पेंड करने की बात करी गई है, वो भी नहीं है। वो प्रोसेस चल रहा है, इंक्वायरी हो रही है, सारा चीज प्रोसेस से चल रहा है। एवरीथिंग इज बीन एज पर प्रोसेस। तो ये सब सारे फेक न्यूज हैं। और भी कई सारी चीजें आप लोग नेट पर देख सकते हैं, लेकिन वो सारे फेक है, आप लोग इस पर विश्वास नहीं करें। जो रेलवे की तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो सही है। दो इंक्वायरी चल रही है, एक CRS कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम अभी कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है इंक्वायरी का, और एक CBI इंक्वायरी कर रही है। तो दोनों इंक्वायरी पैरेलली चलेगी और उनका जो रिपोर्ट आएगा डेट इज फाइनल। सवाल जैसा कि अभी पता चला कि CBI की टीम सामने, जी 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 जी, कितने मेंबर्स CBI की टीम? ये डिटेल दे देंगे, हम पता कर लेंगे। ठीक है, ठीक। और एक और इन्फॉर्म दे रहे हैं कि एक न्यूज और चल रहा है कि लोको पायलट डेड हैं, जो कि नहीं है। उनका इलाज एम्स में चल रहा है, एम्स होने से इलाज चल रहा है। दे आर आउट ऑफ डेंजर, दे आर, देयर कंडीशन इज स्टेबल। थैंक यू वेरी मच।